हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, शाम को 6 बजे टाइम होता है मैथ की पैडागोजी का। तो पैडागोजी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम के काफी लेक्चर वीडियो पे आ चुके हैं, चैनल पे आ चुके हैं, वहां से देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी काफी चैप्टर हम कर चुके हैं, 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज 8वें चैप्टर की बारी है, जिसका नाम है सामुदायिक गणित। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर जिस भी पर्सन को, जिसको भी ये बुक चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी पूरी मैथ की पेडागोजी आप वहां से पूरी कवर कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आपको हर रोज डेली यहां पर लेक्चर होता है करंट अफेयर्स का, पेडागोजी का, जीके का, एसएसटी का और भी अलग अलग वीडियो आपको यहाँ पर टाइमली मिलती रहती है। तो किसी भी एग्जाम के आप अपडेट लेना चाहते हैं, सीटेट, डीएसएस, वीएन, वीएस, केवीएस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी अपडेट आप चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जैसे ही कोई वीडियो पब्लिश हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अगर अगर आप हार्ड कॉपी परचेज करना चाहते हैं, नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो भी टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में भी वहां पर नंबर दिया गया है। ये नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम की तैयारी आप यहाँ भेज सकते हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी क्वेरी यहाँ पर आपकी सोल्व हो जाती है। आपको जो स्टडी मटेरियल वो ऑल ओवर इंडिया ग्वालियर के द्वारा मिलता है, और जो सारा स्टडी मटेरियल एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा तैयार है, एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा तैयार है, जिससे कि हमें जो 7-8 साल से पूरा अच्छे से रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें हम देखेंगे, इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की पैडागोजी स्टार्ट करेंगे, जैसे हम मैथ की पैडागोजी को खत्म करेंगे। तो सामुदायिक गणित इस चैप्टर में क्या क्या है वो हम देखते हैं। नैतिक मूल्य और गणित के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में है वो सांस्कृतिक मूल्य और गणित के बीच में क्या रिलेशन है वो इस चैप्टर में बताया गया है। जीवों का आर्पजन संबंधी मूल्य और गणित, यानी कि जीवन को यापन करने के लिए, जीवन को यापन करने के लिए संबंधी क्या मूल्य है गणित से, वो इसमें बताया गया है। मनोवैज्ञानिक मूल्य की बात हुई है और गणित की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, कि समस्या क्या है, क्या क्या करना है, क्या उद्देश्य है, किस समस्या पर चिंतन करना है, ये सब समाज और गणित के बारे में। तो ये चैप्टर छोटा सा है और इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकगणित शिक्षण जो है उसका उद्देश्य है, अंकगणित जो शिक्षण है आपका, अंकगणित मैथ है, तो उसका उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या उपरोक्त सभी। तो दैनिक जो अंकगणित है उसको आप दैनिक में भी यूज करते हो। अंकगणित क्या आपका प्लस माइनस ये सब आप यूज करते हो ना दैनिक में यूज में। आप कोई सामान परचेस करना चाहते हो तो आप टोटल करते हो कि एक सामान का इतना हुआ, बाकी इतना हुआ, दूसरे सामान का इतना मूल्य है, तीसरे सामान का इतना मूल्य है, तो मेरा टोटल अमाउंट इतना हो गया, इतना मुझे पे करना है। और मैंने मान लो सपोज मेरा 463 अमाउंट हुआ तो मैंने 500 कैश दिया तो कितना मुझे आएगा वापस, तो ये मुझे माइनस करना है। तो दैनिक जीवन में आप अंकगणित का प्रयोग करते ही करते हो। मजदूर है व्यवसाय में भी कि 30 दिन की सैलरी इतनी है, एक दिन की सैलरी इतनी है, बंदा अगर 2 दिन नहीं आया तो मुझे इतनी सैलरी डिडक्ट करनी है और टोटल जो है अमाउंट जो हमें सैलरी पे करनी है वो इतनी है, तो वो भी आप मजदूर व्यवसाय में भी इसको यूज करते हो। व्यवहारिक उपयोग में भी आपको किसी को इंटरेस्ट पे देना है, कोई आपका सगा संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई आपसे पैसे मांगने उधार आता है कि उसको 1000 रुपए की मान लो जरूरत है, 2% सैकड़ा वो इंटरेस्ट आपको देने को तैयार है, तो वो आप उसमें भी यूज करते हो अंकगणित। तो अंकगणित का उपयोग यहाँ पर सभी में होता है, तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, जो गणित है उसकी जो विकसित शाखा है वो कौन सी है? अंकगणित है, बीजगणित है, सांख्यिकी है या फिर ज्यामिति है? तो आंसर आपका रहेगा अंकगणित जो है, जो सर्वप्रथम विकसित शाखा हुई थी वो अंकगणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य को जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता वह है। मनुष्य अपने जीवन की किन गतिविधियों में गणित का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है? मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक में, सांस्कृतिक में या फिर आर्थिक में? तो किसमें होता है? मनोवैज्ञानिक में क्या गणित का प्रयोग होता है? आप मन में विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, सामाजिक समाज के साथ होता है, सांस्कृतिक, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? आर्थिक में। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी। अगला क्वेश्चन, गणित का सामुदायिक महत्व है, जो गणित है उसका सामुदायिक महत्व क्या है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर आपका जो रहेगा फोर्थ का वो क्या रहेगा, गणित का महत्व नैतिक दृष्टि से भी है,
सांस्कृतिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है, जो गणितीय पद है उसको परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, व्यवहारगत, भावात्मक या फिर क्रियागत? आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा व्यवहारगत। व्यवहारगत में आप ज्यादा सामुदायिक उद्देश्य है गणित पदों को परिभाषित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है कि गणित एक ऐसी साइंस है जिसकी मदद से आप आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये कथन किसने दिया था? ये कथन था पियर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? इसमें चार एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं नीचे, तो उन चार एग्जाम्पल में से आपको ये बताना है कि कौन से एग्जाम्पल में, कौन सी गतिविधि में, कौन सी क्रिया में मैथ का प्रयोग नहीं हो रहा है। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो वो सब्जी खरीद रही है तो क्या कुछ काउंटिंग कर रही है मैथ की? वो आपको बताना है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच है, बही खाता जांच है तो बिल्कुल भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है, तो बी तो है, वो तो यूज कर रहा है। सी, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहे हैं तो वो कुछ कर रहा है, वो आपको बताना है। डी, सुनीता धूप में सूखे कपड़ों को गिन रही है, तो डी भी है आपका, वो गिन रही है। और ए, जो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है उसमें भी वो मैथ का यूज कर रही है, क्योंकि उसको पैसों का हिसाब लगाना है कि इतने का मैंने दिया तो इतना आया, इतना पैसा बचा, इतना मुझे वापिस लेना है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है तो वो उस टाइम, उसमें समय पे मैथ का उपयोग नहीं कर रहा है, तो आंसर रहेगा सहमत का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको समाज में जीना है तो आपको मैथ का ज्ञान तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताना है कि क्यों वो इतना आवश्यक माना जाता है। ए है, गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, कि यानी कि जो गणित शिक्षण है वो व्यवहारगत होता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, या फिर डी। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण व्यवहारगत भी होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर भी करती हैं, और गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की समाज में आवश्यकता होती है, जो गणित है उसकी समाज में आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? लेन देन में बिल्कुल होती है जी, लेन देन में, ए तो आपका ऑप्शन ठीक है। व्यापार व उद्योग में, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट सी, लेन देन में और व्यापार और उद्योग में गणित की समाज में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से किसका कथन है? आपको बताना है कि एक कथन है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन जो दिया था वो दिया था नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, जो सामुदायिक गणित है उसका अंत किसमें निहित होता है? त्रिकोणमिति में, समाकलन गणित में, अंकगणित में या अवकलन गणित में? आंसर आपका यहां पर रहेगा बी, अंकगणित में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, जो विद्यालय में जो पाठ्यक्रम होता है उसमें गणित का महत्व होता है। क्या महत्व होता है? बच्चों की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम करना, यह महत्व होता है। बिल्कुल ठीक है जी, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम करना है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह भी बिल्कुल ठीक है। बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, ये भी करना है, तो आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। जो गणित का शिक्षण में महत्व होता है वो नैतिक मूल्यों का विकास करना भी होता है, बौद्धिक मूल्यों का, बौद्धिक स्तर का विकास करना भी होता है, और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम करना भी होता है, तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का महत्व है, जो गणित शिक्षण का है, गणित जो मैथ है आपकी टीचिंग है, उसका महत्व कहाँ कहाँ है? विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में। तो गणित का महत्व हर जगह है, विज्ञान में भी, समुदाय में भी, सिद्धांत में भी और तर्क में भी। अगला क्वेश्चन,
आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है कि आदर्श शिक्षा वो शिक्षा मानी जाती है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, समाज के लिए योग्य नागरिक बनाना। अगला क्वेश्चन, गलत तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है कि गणित जो है वो तर्क सम्मत यथार्थ कथन और सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन आपका दिया डटन ने। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सी। तो आज की वीडियो में इतने ही थे, ये इस जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगले जो चैप्टर बचे हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मुझे भी और वीडियो जल्दी से जल्दी रेगुलर बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।